नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपके करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को पहले चेक करेंगे हम। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स डेथ एंड फाइव ऑफ सूट्स, ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आप लोगों की रिश्ते में जो भी पुराने गिले शिकवे परेशानी जो भी कुछ चल रहा है उसको खत्म करके ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। कहीं आपके साथ रिश्ते में आना उनके लिए विश फुलफिलमेंट है जिसे ये करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत पेनफुल सर्कल आप लोगों के रिश्ते में देख रहा है, बहुत दिनों से आप लोगों के रिश्ते में परेशानी चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, उनका विश पूरा हो जाए, दोबारा से आपके साथ रिश्ते में आना, आपको एक स्टेबल ऑफर देके रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना, ये सब कुछ ये चाहते हैं। लेकिन उनका जो ईगो है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये उनको थोड़ा परेशान कर रहा है, रोक रहा है, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। कितना भी उनका करंटली उनका ईगो उनको रोक रहा है, ये रुकेंगे नहीं, ये आपके तरफ आएंगे स्टेबल ऑफर के साथ, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, ऐसा ये करंटली सोच रहा है कि भाई जो हो गया सो हो गया, उसे खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं रिश्ते को। रिश्ते को इस तरीके से रोक के रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जो हो उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, अपना विश को ये पूरा करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। करंटली देखेंगे एरीज आप खुद क्या चाहते हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। सिक्स ऑफ वन हाई प्रेस्टेस एंड पेज ऑफ पांटिकल्स, आप मेहनत कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, मेहनत करना भी चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए, आप अभी सोच समझ के अपना कदम उठाना चाहते हो। पहले अगर आपने बिना सोचे इस रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व किया जिसकी वजह से रिश्ता परेशानी में आया, आपकी ना समझी की वजह से हो सकता है, या फिर आप बहुत सीधे थे, सीधे तरीके से रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे तभी इस रिश्ते में परेशानी आया। लेकिन अभी आप मेहनत से सब कुछ कमाना चाहते हो, खास करके पैसा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आप शादी तो करना चाहते हो, शादी तक रिश्ते को ले जाना चाहते हो, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, स्लोली बट श्योरली धीरे धीरे आप रिश्ते को सही जगह तक ले जाना चाहते हो।
आप अभी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो करंटली, आप खुद देखना चाहते हो कि ये बंदा क्या करता है, बंदा क्या डिसीजन लेता है, बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि आपको तो स्टेबल ऑफर देना है या फिर स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ जाना है, लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितना इमोशन है, इनका ईगो कम हुआ या नहीं। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ईगो की वजह से बंदा रिश्ते को खराब कर रहा है, और कोई बात मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जो हो इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बार बार रिश्ते में परेशानी ईगो की वजह से ला रहा है, ये अपनी ईगो को कभी भी कम नहीं कर पाता है, और आप इन बातों को जानते हो, जिसके लिए आप रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए भी मेहनत करने चाहते हो, आप अपनी पोस्ट को भी संभालना चाहते हो, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, आप लोगों के सामने वालों की नीयत आपको देखते ही, उनको देखते ही आपको पता चल जाता है। लेकिन अभी आप उन पहले जैसे तरीके से रिश्ते को चलाना नहीं चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि क्या सच में ये बंदा खुद को बदल रहा है या फिर पहले जैसे ही है, क्या इनमें इमोशन आया है या नहीं है, क्या ये अपने ईगो को छोड़ सकता है या नहीं। देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके पर्सन। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई एरीज लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। Four of Pentacles, Seven of Pentacles and Knight of Pentacles. पहले तो मुझे लग रहा था इमोशनल प्रॉब्लम है इनका, ईगो का प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही साथ पैसों का भी प्रॉब्लम है। कहीं आप उनसे अच्छे पोस्ट या पोजीशन पर तो नहीं हो, क्योंकि इनको उस बात का भी प्रॉब्लम है। ये अपने अंदाज से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहेंगे, ये चाहते हैं दोनों चीज इनके पास रहे, पैसा भी प्यार भी, और आप इनके लाइफ में होना, इनके लिए दोनों चीजें रहना होगा, मतलब आप रहे तो सब है। ये चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, रिश्ते में स्टेबल ऑफर आपको देना, लेकिन ये पहले जैसे ईगो इनका पहले था अभी भी रहेगा, ये पहले आपसे मतलब पहल आपसे करवाना चाहते हैं। ये डिसाइसिव रहेंगे, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले इनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये पहले से स्टेबल है, आप दोनों बराबर के हो, ज्यादा या कम, बहुत कम फर्क है दोनों में, तो ये अपनी अपना जो रुतबा है उसको ये कम नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है मेरे पास कुछ कमी नहीं है कि मैं उनको जाके सॉरी कहूं, या रिश्ते में जो भी गलत हुआ है उसको मैं मान लूं, या गलती जो है ये प्रॉब्लम जो है ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ईगो का प्रॉब्लम है आप दोनों में। ये खुद को हील तो कर रहे हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इतना सहज नहीं है खुद को हील करना, मतलब किसी को माफ करना, चीजों को अनदेखा करना, अपनी गलती को देखना। ये बंदा कभी भी अपनी गलती को नहीं देखता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला बंदा या बंदी है। इनके लिए मैं और मैं, मतलब हमेशा यही खुद को अपना
अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो ये बंदा जगलिंग करेगा। नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, कोई एक है जो एज में छोटा है, कोई एक है मैच्योर है, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है उनमें, या तो एरीज आप में है क्योंकि कार्ड मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर वो मैच्योर है, छोटे होते हुए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको है, पैसे की समझ उनमें है, दिमाग की मैच्योरिटी इनमें है, ईगो बहुत है, आप में भी है। ये स्टेबल ऑफर देने के बारे में सोचेंगे, लेकिन रुक के रहेंगे, आपके तरफ से ऑफर आएगा तब ये ऑफर देंगे, ऐसा ही सोचेंगे। ये भी स्टेबल है, ये कुछ लोगों के लिए ये बंदा और आप सेम सेम कैटेगरी में आते हो, बहुत कम लोगों के लिए इनके पास स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, थोड़ी मतलब अगर आप पांच हो तो ये चार होगा, या ये पांच है तो आप चार हो, इस तरीके का, जिसकी वजह से इनकी सोच में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, ह्यूमिलिएशन है, ह्यूमिलिएट करता रहता है लोगों को। ये इंतजार करेंगे आपके तरफ से, स्टेबिलिटी आपको देगा, लेकिन पहले आपको करनी पड़ेगी, और आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप इंतजार करोगे कि ये कब आएगा, और आप खुद की स्टेबिलिटी पाने के बारे में भी आप मेहनत कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको भी चाहिए, आप भी रिश्ते में भी नहीं शुरुआत करना चाहते हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी नहीं शुरुआत करना चाहोगे, पूरे हफ्ते आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो, मैंने कहा ना पैसों की बहुत बड़ा मामला है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कोई किसी के लाइफ से चला गया या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोचा या फिर कर चुका है, तो ये फाइनेंशियल लॉसेस का मामला आ जाता है। मुझे लगता है आप जो इनके लाइफ से चले गए या फिर ये आपके लाइफ से दूर है, तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पार्टी भी है इसमें, आप दोनों के अलावा तीसरे बंदा या बंदी भी हैं, जिसकी वजह से एरीज मुझे लगता है आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, आप इनसे बैलेंस की मांगे कर रहे हो, आप रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, लेकिन ये आपको वो कुछ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इनको दोनों ही चाहिए, ये दोनों चीजों को संभाल रहे हैं। किसी के साथ रिश्ते में रहना आपके लिए, ये बंदा अगर आपके लाइफ में रहता है तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहता है, मुझे लग ही रहा था कोई एक थोड़ी सी कम है, आप कोशिश कर रहे हो स्टेबिलिटी पाने की, या फिर ये कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते हैं, लेकिन दूसरा बंदा जब इनके लाइफ में आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको ज्यादा मिलती है, वो सिक्योर समझते हैं खुद को, किसी और की वजह से इस रिश्ते में इस तरीके का प्रॉब्लम आया है, जिस वजह से ये बंदा आपके लाइफ से मूव ऑन कर लिया है, तब से आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है एरिस, या फिर अगर आपने मूव ऑन किया है तो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार ये भी कर रहा है, और आपको भी देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड, आपको भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, पैसे चाहिए, वक्त चाहिए, प्यार चाहिए, नई शुरुआत चाहिए आपके, आपको अपने लाइफ में, आप चाहते हो कि जो हो गया सो हो गया, दोबारा से शुरू करें, सूझबूझ समझदारी के साथ रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, लेकिन ये बंदा आपको मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा फैसिलिटीज दे पाएगा जितना आप सोच रहे हो, या तो इनके पास ऑप्शन है पहले से या फिर आपके पास है, किसी के पास तो है, ये कोई एक है जो शादीशुदा है, जो सिर्फ पैसा दे सकता है,
पूरी वक्त नहीं दे सकता। किसी एक को पैसे के साथ साथ वक्त भी चाहिए, एरीज आपको भी हो सकता है। आप नई शुरुआत करना चाहते हो। ये भी करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके तरीके से खुद को नहीं चलाएंगे। आप समझदार हो सकते हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन ये बंदा आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर इनके पास एक गाड़ी है तो ये दूसरे के बारे में सोचेंगे, इनके पास एक घर है तो दूसरे के बारे में सोचेंगे, जो है उसको रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, इसीलिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको चाहिए, प्यार भी चाहिए, और ये झुकने वालों में से भी नहीं है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लिया जाएगा इस रिश्ते में। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। वेरी गुड, एक्शन लिया जाएगा, कम्युनिकेट होगी, टेक्स्ट कॉल मैसेज डिजिटल कम्युनिकेशन होगा इस रिश्ते में, नई शुरुआत होगी, दोस्ती से रिश्ता शुरू होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनको चाहिए उनको मिलेगा। मैंने कहा एक बंदा एज में छोटा है, दूसरा बहुत ज्यादा सुंदर है, इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, इस रिश्ते में दोनों साथ मिलके रिश्ते को एक जबरदस्त रिश्ता बनाया जा सकता है। इस सोच के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन मिलेगा आप लोगों को, डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगा, कोई एक एक्शन ले लेगा, या तो आप या तो आपके पर्सन, ये सोच सोच के फिर आगे आ जाएगा कि चलो ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। ये मैंने पहले ही देखा था, ये ईगो तो बहुत दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है यही आएगा आपकी तरफ। ये आ रहे हैं भाई आपके तरफ, एक्शन ले रहे हैं, नई शुरुआत होने जा रहा है, जो भी परेशानी चल रहा था रिश्ते में वो खत्म होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हर्ट टू हर्ट कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के साथ दिल खोल के बात करोगे, गिले शिकवे जो है उसे खत्म करोगे आप लोग। आप लोगों की जोड़ी जो है वो भाई लोगों की नजर में आता है, एक उम्र का फासला तो जरूर है, जिनका एनर्जी आ रहा है उम्र का फासला जरूर है, इसकी वजह से लोगों की नजर रहते हैं इस जोड़ी में। आप लोगों ने जो कुछ कमाया है, दोनों के दोनों ने मेहनत से कमाया है, मेहनती हो आप लोग, इस रिश्ते को साथ मिलके चलाने में रिश्ते की फायदा है, ये दोनों समझते हो, दोनों बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो, प्रैक्टिकल हो आप लोग, तो रिकॉन्सिलेशन कहूं या इसे क्या कहूं, कम्युनिकेशन कहूं, कम्युनिकेशन होने जा रहा है, आप लोग एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर दोगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करोगे दोनों मिलके बात करके। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल की तरफ से।
ask for other from help. जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या करें, ये रिश्ता फिर से जुड़ रहा है बात करके, अगर आपको ये लग रहा है कि इनसे क्या बात करें, क्या पूछे, तो आप किसी की सलाह ले सकते हो। सलाह उसकी लीजिएगा जो आपको सही सलाह दे। ऐसी लोगों की सलाह मत लीजिए जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा दे और उल्टा समझा दे, भाई कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा ऐसा है वैसा है। सही लोगों की सलाह लीजिए। अगर आपको समझने में परेशानी हो रहा है, ये रिश्ता हमारे जो रिश्ता है बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रिश्ते में परेशानी आ रहा है, जहां हम दोनों में इतना प्यार है, थर्ड पार्टी है रिश्ते में, ये सच है, लेकिन फिर भी आप लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन रिश्ता खराब हो रहा है बार बार, तो आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए, किसी से मदद मांगिए कि आपको इस रिश्ते को सही करने के लिए, रिश्ते को सही तरीके से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। या तो आपको अपने ईगो पर कंट्रोल करना है, या फिर उनको अपने ईगो पर कंट्रोल करना है, गुस्से को कम करना है, जो भी करना है। इसकी जो जो सलाह आपको, जो सलाहकार अच्छा लगे, सही लगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि आपको इन रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।